नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील प्रजापति है। मैं जीपीसी प्रतापगढ़ में सिविल में लेक्चरर हूँ। आज हम सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट कोड 305 वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग की जो पहला जो चैप्टर है उसका अपन टॉपिक है फायर डिमांड, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। वास्तव में तो क्या है कि जो ये फायर डिमांड है, ये वाटर डिमांड का ही जो है सब टाइप है, पर अपन इसको जो है थोड़ा सा अलग से जो है इसको पढ़ रहे हैं। ये जो फायर डिमांड होती क्या है और क्या क्या इसकी जो है आवश्यकताएं रहती है, फायर जो आग आग की मांग कहते हैं इसको, तो आग आग की लग जाने पर क्या क्या जो प्रिकॉशन करनी होती है, क्या कितना पानी की आवश्यकता होती है, उनके बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले तो अपन ये पढ़ते हैं कि जो है फायर डिमांड, जो आग की मांग होती क्या है, उसको अपन पढ़ रहे हैं कि दोषपूर्ण बिजली के तारों के कारण शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती है। आग लगने के कारण है ये, कि आग लगने के क्या क्या कारण है कि दोषपूर्ण बिजली के तारों के कारण शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती है, मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया तो आग लग सकती है। आग लगने वाली सामग्री, विस्फोटक, आपराधिक लोगों की बुरी सोच, किसी अन्य अप्रत्याशित दुस्साहस से आग लग सकती है। कोई किसी ने इंटेंसली जो है आग लगा दी, या फिर कोई ऐसी जो है चीज़ है जो एक्सप्लोसिव हो, आग लगने के का कारण बन सकती है। उनके कारण, इन सभी कारणों की वजह से, विस्फोटक है तो उनके कारण से जो है आग लग सकती है। अगर आग को जो है हम है ना कम समय में ठीक से नियंत्रित नहीं करें और बुझाए नहीं, तो वो गंभीर स्थिति हो सकती है, शहर को जला सकती है। कि आग जैसे एक बार जो है आपने जो शुरुआत में धीमी लगी या आपको पता चला उस टाइम आपने जो है उसको कंट्रोल नहीं किया, तो वो आग जो है आपको वो विकराल रूप जो है ले सकती है और वो पूरे शहर को और या बहुत ज़्यादा जो है लाखों करोड़ों में जो है वो क्षति कर सकती है। इसलिए क्या है कि सभी जो बड़े शहर हैं, छोटे शहर हैं, पहले तो क्या है बड़े शहरों में ही ज़्यादातर ये फायर जो है अग्निशमन जो है सामग्री और अग्निशमन केंद्र होते थे। अब आजकल छोटे छोटे शहरों में भी जो है अग्निशमन केंद्र दस्ते जो है वो बनने लग गए हैं। आग लगने के दौरान इसे बुझाने के लिए बड़ी मात्रा में आग फेंकने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। कि आग लग गई तो आग को बुझाने के लिए जो है पानी की आवश्यकता होगी, तो पानी की आवश्यकता होगी तो वो कहाँ से जो है उसकी पूर्ति होगी। इसलिए अपन जो है आग की मांग की पूर्ति के लिए अपन पानी की मात्रा को जो अपन सप्लाई करते हैं पानी, उसमें से जो है उसके लिए जो है रिजर्व रखनी पड़ती है। इसलिए प्रावधान है कि पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति के लिए पानी आरक्षित रखने के काम किया जाता है, और इस उद्देश्य के लिए आग की मांग के अलावा शहरों में 100 से 150 मीटर के जल स्तर पर अग्नि हाइड्रेंट जो है वो प्रदान किए जाते हैं। मतलब जो आप इनके जो है वो अग्नि पानी की जो है स्टोरेज के लिए अग्नि हाइड्रेंट जो है शहरों में 100 से 150 मीटर की हाइट पे कुछ अग्नि हाइड्रेंट जो है लगाए जाते हैं। जहाँ बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ क्या है कि आपकी आप एक साथ पानी की मांग वो कहीं मान लो कि किसी मॉल में, किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, बड़े जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लग गई, तो आग लग गई तो उस आग के लिए पानी कितना लाओगे आप? एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी है तो उसमें कितना सा पानी आएगा? ज़्यादा नहीं आ पाएगा। तो उसके जो नियर मतलब हर जो है आप शहर के ज़्यादातर इलाकों में इस तरह के अग्नि हाइड्रेंट जो है जो लगाए जाते हैं, उससे क्या होता है कि आप उसके जो नियर बाय लोकेशन में अगर आग लगी तो वहाँ से आप जो है पानी जो ले लेते हो और वो उसको जो है प्रेशर से एग्जर्ट करते हो, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अग्निशमन के लिए आवश्यक पानी की मात्रा की गणना आमतौर पर विभिन्न अनुभवी सूत्रों के उपयोग से की जाती है। मतलब जो अनुभव से जो सूत्र बनाए गए, एम्पिरिकल फॉर्मूलास जो सूत्र बनाए गए हैं, तो उनमें से सबसे बढ़िया है जो भारतीय कंडीशन के लिए जो है वो क्यूचलिंग फॉर्मूला है। क्यूचलिंग फॉर्मूला क्या कहता है अपने को कि क्यू बराबर होता है ये 3182√P। अब इसमें क्यू क्या होता है? क्यू इज़ द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन
लीटर पर मिनट, मतलब पानी की मात्रा लीटर प्रति मिनट में। पी क्या है? पी है पॉपुलेशन ऑफ टाउन और सिटी इन थाउजेंड, मतलब शहर की जनसंख्या हज़ारों में, यह है पी। तो इस सूत्र में क्या यह है, एक तो क्यू, क्यू क्या है पानी की मात्रा लीटर प्रति मिनट में, और पी क्या है, पी है जनसंख्या है जो हज़ारों में है, उस शहर की जनसंख्या हज़ारों में। तो इस सूत्र में जो है अपने को पी जो वहाँ की जनसंख्या को जहाँ है आपका कोई शहर है 1 लाख की जनसंख्या है तो पी का मान आ जाएगा वहाँ एक लाख अंडर रूट 1 लाख इंटू 3182। तो इससे आपके जो है वहाँ की जो है पानी की मात्रा उस एरिया के लिए कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये सबसे बढ़िया जो है ये क्विचिंग फॉर्मूला ही है। तो ये अपने को जो है एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो संतोषजनक परिणाम इसके देता है। अब दूसरा जो फॉर्मूला है बोस्टन ने दिया था, बोस्टन क्या कहता है कि क्यू बराबर 5663 रूट पी। अब यहाँ पी भी वही है कि पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन थाउजेंड, मतलब शहर की जनसंख्या हज़ारों में। तो यहाँ भी आप जो है उस शहर की जनसंख्या का मान रख दो, 1 लाख है, 10,000 है, 50,000 है, कितनी है, 5 लाख है, कि जो भी मानो वो रख दो, और वहाँ से आप जो उसकी जो है वाटर क्वांटिटी निकाल सकते हो ये बोस्टन फॉर्मूले से। और तीसरा फॉर्मूला आता है इसमें फ्रीमेंस का फॉर्मूला। फ्रीमेंस क्या कहता है कि इसमें क्यू बराबर 1136 कोष्टक पी बटा 5 प्लस 10। तो इसमें भी पी वही है आपके पॉपुलेशन इन किसी शहर की जनसंख्या है वो जो हज़ारों में। और अभी एक एफ के थ्रू भी जो है ये निकालता है, इसमें जो है एफ बराबर होता है 2.8 रूट पी। अब जहाँ एफ क्या है, एफ नंबर ऑफ साइमल्टेनियस फायर स्ट्रीम, मतलब कितनी जो है यादृच्छिक जो है फायर स्ट्रीम अग्नि हाइड्रेंट कितने हैं, फायर स्ट्रीम कितनी है, उसके आधार पे जो है ये इस सूत्र से निकाल सकते हैं। तो ये सब जो सूत्र है जो है अपने अग्नि पानी की जो मात्रा है अग्निशमन के लिए, मतलब फायर जो है फायर के लिए जो पानी की मात्रा है वो निकालता है। पानी की मात्रा ही सही तो पता चलेगा कि वहाँ कितनी पानी की जो है मांग होगी आग को बुझाने के लिए। अब कुछ इसके जो है अपन तथ्य पढ़ रहे हैं कि जो पानी की मात्रा कितनी होती है और क्या अपन उसमें एजम्पशन लेते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। हालांकि आग को बुझाने के लिए पानी की कुल मांग आमतौर पर बहुत कम है और खपत बहुत ज़्यादा है, मतलब जो है पानी की जो है मांग जो है अपन ने रखी है वो बहुत कम है और खपत जो है उस टाइम जब आग लगती है वो उसके लिए खपत है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब ये जो है ये अलग अलग कारकों पे जो है निर्भर करती है, ये थोक भीड़ आग प्रतिरोधक इमारतों पर निर्भर करती है, मतलब कितनी भीड़ है और के मतलब फायर रेजिस्टेंस जो बिल्डिंग बनाई है तो वहाँ जो है वहाँ पानी की मात्रा कम होगी कि फायर रेजिस्टेंस है ऐसी बिल्डिंग है जहाँ आग आग फैलने का या आग का जो ज़्यादा नुकसान करने का जो है इस तरह से डिज़ाइन की गई हो कि वो आग प्रतिरोधक हो, तो उसमें क्या है कि जो आपके जो पानी की डिमांड है वो कम होगी। और आग की मांग की न्यूनतम सीमा आपूर्ति की मात्रा और दर जो शहर की सबसे बड़ी आग को बुझाने वाली है, मतलब आग की जो मांग है वो शहर में जितनी भी बड़ी आग लगी वो उसको बुझाने के लिए आवश्यक होनी चाहिए। 15 से 20 सेंटीमीटर व्यास के अग्नि हाइड्रेट सामान्य रूप से सभी सड़क के कोनों और उपयुक्त मध्यवर्ती बिंदुओं पर प्रदान किए जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि आपको 15 से 20 जो सेंटीमीटर के जो डायमीटर के जो है अग्नि हाइड्रेंट सामान्यतः एक गली के कोने में सड़क के या उस जो मोहल्ले के जो है मिड पॉइंट है बीच का बिंदु कहीं है जहाँ से सारा जो मोहल्ला जो है कवर हो जाता है उस जगहों पे अपना अग्नि हाइड्रेंट जो है जो अपन प्रदान करते हैं। ये क्यों करते हैं, क्योंकि अपने को जब भी आग लग जाए तो वहाँ से अपन जो है उस पानी को एक्सेस कर सकें पाइप के थ्रू। जो अग्नि समन जो यंत्र आता है वो पाइप वो बहुत सारे पाइप लाएगा, उससे क्या है कि प्रेशर जेट से पानी निकलता है, वो अपन आगे पढ़ रहे हैं।
ये आमतौर पर पानी की आपूर्ति के साधन से जुड़े होते हैं। जब आग लगती है तो फायर ब्रिगेड ट्रकों पर स्थापित पंपों को साइट पर ले जाता है और फायर हाइड्रेंट से जुड़ जाता है। मतलब जो पाइप है वो अग्निशमन यंत्र है वो पाइप लाएगा वहाँ साइट पे, वो इन हाइड्रेंट से जो है पाइपों को जोड़ देगा। क्योंकि जो है अपन ये जो अग्नि हाइड्रेंट है बनाते इस पर्पज से हैं कि वो प्रेशर से जो है जेट मतलब तेज़ी से गति से जो पानी प्रोवाइड करता है, तो आग को प्रेशर से आग पर पानी डालते हैं तो वो उसका जो है बुझ जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये क्या कहता है कि फायर हाइड्रेंट से जुड़ा होता है जहाँ से वे बहुत अधिक दबाव में पानी के जेट से पानी फेंकते हैं। 100,000 से अधिक आबादी के शहर के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर द्वारा आवश्यक अग्नि प्रवाह 40,500 लीटर पर मिनट तक निकलता है। मतलब ये 40,000 जो नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर क्या कहता है कि आवश्यक पानी की प्रवाह जो है उस टाइम जब आग बुझाने के लिए कितना निकलना चाहिए, 40,500 लीटर प्रति मिनट निकलता है और औसत 150 लीटर प्रतिदिन की कुल खपत मानते हुए है ना। तो इस प्रकार आग की मांग के लिए आवश्यक प्रवाह की दर प्रयोजनों के लिए आवश्यक कुल प्रवाह की दर की तुलना में बहुत अधिक है। मतलब आप ना औसत मान के चल रहे हैं आग के लिए कितना ले रहे हैं, 150 लीटर प्रतिदिन अपन रिजर्व करके चलते हैं और उस टाइम जब आग लगती है तो अपने को कितना प्रेशर तक चाहिए होता है पानी कि 40,500 जो लीटर प्रति मिनट तक पानी चाहिए होता है। तो ये जो आग की अपन जो रिजर्व करके चल रहे हैं वो वास्तव में खपत की तुलना में बहुत कम है ना। हालांकि आग की मांग के प्रावधान केवल 3 से 5 घंटों के लिए किया जाता है। मतलब आग की मांग का प्रावधान 3 से 5 घंटों में, मतलब आग लगेगी तो वो मैक्सिमम अपन मान के चलते हैं 3 से 5 घंटे में वो बुझ जाएगी, तो उस आधार पे अपन नॉर्मल कंडीशन में ये मान के चलते हैं। वार्षिक आधार पर गणना की जाने वाली पानी की कुल मात्रा आमतौर पर बहुत कम होती है क्योंकि एक वर्ष में कुछ ही बार आग लगती है। मतलब वार्षिक टोटल जब हम लेते हैं तो वो वार्षिक आधार पे लेते हैं तो पानी की कुल मात्रा आमतौर पर बहुत कम होती है उस केस में क्योंकि अपन ये मान के चलते हैं कि आग जो है रोज़ रोज़ तो लगेगी नहीं, ऐसा मान के अपन चलते हैं कि रोज़ रोज़ आग नहीं लगेगी, कभी आज लग गई, कभी 15 दिन बाद लग गई या कभी भी लगी तो वो रोज़ नहीं लगती ऐसा मान के हम चलते हैं। तो अपन को ये सब जो है कारक जो है अपने को आग की जो फायर डिमांड है उसमें कंसीडर करके चलने पड़ते हैं और इसी आधार पे अपन जो है फायर हाइड्रेट डिज़ाइन करते हैं, पानी की मांग का निर्धारण करते हैं। पानी की मांग के निर्धारण के लिए मैंने आपको जो है 3 फॉर्मूले बताए हैं, जिसमें आपको क्यूचिंग फॉर्मूला बताया, बोस्टन फॉर्मूला बताया, फ्रीमैन्स फॉर्मूला बताया, जिनमें आपको क्यू निकालना है और उनके अलग अलग सूत्र हैं कि आपको जो है सूत्र में पी का मान है, पी का मान रखना है और आपको उनके मल्टीप्लाई करके आपको वहाँ की पानी की मात्रा जो है आपको निकाल लेनी है और क्या वो जो है उनकी आवश्यकता रहती है कि कितना अपने को पानी चाहिए होता है और क्या क्या जो है आग लगने के कारण है ये सब मैंने बताए। तो ये सब जो चीज़ें हैं अपने फायर डिमांड में आती है। शुक्रिया, धन्यवाद।